नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ। जो एक विशेष हम आज वीडियो लेके आ रहे हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, जो गुरु को ही समर्पित होती है, इसलिए आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री वीपी गोयल जी। सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार स्वागत। नमस्कार। वीपी गोयल जी, अब तक हमें बहुत कुछ ज्ञान रूप में हमारे नयन खोलते आए हैं, हमारे चक्षुओं को नया नया सूत्र बताते हुए और बहुत से मिथ को तोड़ते हुए उन्होंने हमें ईश्वरीय कृपा के साथ अपना भी आशीर्वाद प्रदान किया है। जैसा कि कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो आज हम गुरु से प्रार्थना करेंगे कि हमें ईश्वर की कृपा भी कैसे कुंडली में देखे उसके बारे में कुछ बताएं। सर, आपका बहुत बहुत भैया, स्वागत। हर किसी को ईश्वर की कृपा चाहिए जी और ईश्वर सर, गुरु रिकॉर्डिंग जी शुरू नहीं, किसी नहीं भी माध्यम से वो कृपा दे सकता अगर की। देनी। हमने रिकॉर्डिंग आरंभ की है हमने। हाँ, अच्छा, रिकॉर्डिंग आ रही है भाई। ओके ठीक है, जी। तो इसके लिए हम चार्ट यूज करते हैं D45। इस पे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, परंतु आज मैं कुछ नया एंगल उसका गुरु कृपा का बताऊंगा। D45 तो एक्चुअली जनरल चार्ट बोला गया है कि इससे सब चीज देखी जा सकती है। तीन ही चार्ट है ऐसे, तो इसमें मेनली जो लोग बात करते हैं कि वो कैरेक्टर की और कंडक्ट की बात करते हैं, धर्म की भी बात करते हैं। ये सूक्ष्म रूप में धर्म का चार्ट है। जैसे बहुत से करते हैं ना कि 9 चौक 36, जी 36 तक 4 साइकिल, या 12 चौक 48 करते हैं, जी सर, 9 चौक 36 कर दिया तो 9 बच गए। दोनों जी सर, की साइकिल लेते हैं जब धर्म के लिए बात करते हैं, जी सर, तो D45 भी फिर 9 ही बचता है, 9 पंजे 45। ओके जी ठीक है, तो ये सूक्ष्म चार्ट है जी स्पिरिचुअलिटी का और भगवान के आशीर्वाद का। ओके तो ज्यादातर हम इसको देखते नहीं, क्योंकि अब हम इन चार्टों में धर्म त्रिकोण देखेंगे, काम त्रिकोण वगैरह वो सब देखेंगे, जी और जहां लगन बदली डी जी फोर्टी जी फाइव की, जी तो हमारे सारे केंद्र त्रिकोण सब उड़ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा झंझट है। मैंने अपनी पहली जो पुस्तक थी डिविजनल चार्ट की, उसमें D45 लिया है, जी वो आज से 12-13 साल पहले लिखी थी। जी तो उस समय दिमाग में आता था कि भाई जब लगन में कंफ्यूजन हो तो जो जन्म की लगन है उसको ही डिविजनल चार्ट की लगन बना लो। बहुत बढ़िया सर। ठीक तो उस तरह से मैंने वो उसमें डिस्कस किया है। अब जैसे जैसे हमारे काम आगे बढ़ता गया, सोच बढ़ती गई, लोगों से बात करते रहे और किताबें पढ़ी, और फिर जैमिनी पढ़ी अच्छी तरह से, तो मैं तो जैमिनी का बहुत बड़ा कायल हो गया। और जैमिनी में लिखा है, उन्होंने सारी जो फलित बताया है जैमिनी में, उसमें लगन से देख के सारा कुछ बताया है। और अंत में लिखते हैं कि यही फल कारकांश लगन से भी देखा जा सकता है। जी अब मैं तो सेंटेंस पकड़ता हूं ना फिर, जी सर, कि महर्षि जैमिनी ने ये आखिर में पुछल्ला क्यों छोड़ा है बिल्कुल सारे फल बता करके। जी तब फिर हमने कहा कि हाँ, कारकांश लगन नवांश से आती है और नवांश शाश्वत चार्ट है। जी ठीक है, तो जो कारकांश लगन होती है
वो शाश्वत है, भगवान की कृपा है, भगवान ने जो दे करके भेजा है, और जो लगन से देखते हो तो वो तो आपकी इच्छा है, ये मैं बताता रहता हूं। बिल्कुल सर, बहुत बार बताए तो अभी इसी चीज को पकड़ करके मैंने जी। सरल सेवन में भी लिखा है और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आया है। जी तो आज वही मेथड मैं आपके सामने, बहुत बढ़िया आप इसे सर, कुछ ही समझ लो, यानी भगवान कृपा समझ लो, गुरु कृपा ईश्वर समझ लो, कृपा यही हो गई कि आपके और से ये निकला D45 भी कृपा का चार्ट है, जी सर। तो इसलिए D45 ले लिया। ओके जी एक छोटा सा टोटका है बस, के D45 की लगन जो आपकी कारकांश की लगन है वो बना। यानी ये झंझट ही नहीं कि आपके टाइम 2 मिनट आगे है पीछे है, ठीक है, क्या बना हुआ अब है। ये नहीं कि घंटों फर्क पड़ रहा हो, बिल्कुल प्लेनेट ही बदल गए हो, जी। तब नहीं आएगा। एक आध मिनट का हम जो शंका है उसको दूर कर सकते हैं, बहुत ही बहुत बढ़िया, ज्यादा नहीं। ये तो एक जिसको कहते हैं चमत्कार वाला सूत्र है इससे देख करके जी। आप काफी कुछ बता सकते हैं, बहुत बढ़िया, तो ठीक सर एक है? चार्ट देखें चार्ट सर। लियो, लियो। अब इस चार्ट को देखते हैं तो मैं आपको ये बताता हूं जी कि भाई D45 में हाँ जी धर्म के त्रिकोण, सर, ये विवेकानंद जी का चार्ट है हाँ धर्म के त्रिकोण, जी 1, 5, 9, जी इनका आपस में संबंध आना चाहिए। उस भाव से आ जाए 1, 5, 9 से, जी या आपस में आ जाए, जी ठीक है? जी तो ये जो चार वो भगवान की कृपा को दर्शाता है। अब विवेकानंद जी का चार्ट ले लो, क्योंकि ये तो इतने बड़े महान पुरुष हुए हैं, इनकी इच्छा भी थी और भगवान कृपा भी थी। अब यहां देखो, लगन से मिथुन लगन उदय हो रही है, तो जी 3, 7 और 11 ये त्रिकोण हो गए, जी बुध शुक्र और शनि। जी अब देखो ब्यूटी, शनि अपने भाव को दृष्ट कर रहे हैं, नवम भाव को, जी शुक्र फिर से शनि से म्यूचुअल एस्पेक्ट में है, जी और शुक्र पंचमेश है, बिल्कुल बुध इन्वॉल्व नहीं हो रहे। अगर तीनों का संबंध आ जाए तो भगवान की, क्या कहते हैं ना, बोलते हैं बाबे की फुल फुल कृपा, बाबे दे फुल कृपा ठीक ठीक है? जी दो भी अगर आ जाए, जी दो संबंध भी भाव से और ग्रहों के, तो भी बड़ी कृपा हो जाती है, जी बहुत कृपा हो। जी अब इसको, इनकी कारकांश लगन क्या है? आत्म कारक है सूर्य, जी ये भी मैं बता देता हूं। जी सूर्य नवांश में धनु राशि में विराजमान है, जी तो धनु इनकी कारकांश लगन हो गई, जी ये भगवान ने इनको लिख के भेजा है। जी तो इस D45 को हम धनु लगन का बना देंगे, जी कारकांश लगन को लगन बना दिया ठीक है? जी कारकांश लगन को लगन बना दिया। जी अब आप कमाल देखो, जी अब हो गए बृहस्पति, मंगल और सूर्य सूर्य। जी मंगल और सूर्य परस्पर दृष्टि में हैं। बिल्कुल अब मंगल उच्च का है, पूर्व यस पुण्य है, जी बृहस्पति 11वें भाव में है जी और मंगल की राशि को, पंचम भाव को दृष्ट कर रहे हैं। बिल्कुल
तो यहां पर मंगल एग्जॉल्टेड हो गए। जी अब मंगल धर्म त्रिकोण या भगवान का आशीर्वाद सबसे ज्यादा क्या मिला है? मंगल का मिला, उच्च के। जी मंगल कौन है? तर्क शास्त्र है, चीज को लॉजिकल है, तो लॉजिक्स की कृपा है, हर चीज का सही मीनिंग निकाल सकते हैं। तो एकदम अंतर आ गया, चार जी कांच लगन बनाते, जी सर नहीं तो हम आराम से मिथुन को लगन देख करके कर रहे हैं भाई, तब भी कृपा है बिल्कुल सर, यहां। मंगल या नवम भाव को भी देख रहे हैं सर, मंगल मंगल नवम भाव को भी देख रहे हैं, जी अपने भाव को पंचम को देख रहे हैं, जी ठीक है। नवमेश के साथ हैं, नवम को देख रहे हैं और अष्टमेश के साथ हैं अष्टमेश अकल्ट का और उसका सीरियस, जी जी ठीक है। जी सर खैर मैं उस पर नहीं जा रहा कि ओके सर भक्ति और धर्म को कैसे कंबाइन करें। जी अड़चन भी आएंगी, राहु के, राहु साथ में है वहां जी जी और केतु मंगल के साथ है, जी ठीक है जी। जी तो ये आज का हमारा था, और किसी को देखना है, निम्मी को देखना है तो अपना देख ले भाई। मैं अपना देख लेती हूँ, आज पहली बार इस उसमें तो बनता है कि मैं भी अपना चार्ट देखूं, ईश्वर हाँ कृपा यहाँ पर D45 है ये, हाँ ठीक है, और यहाँ तो 2, 6, 10 का जो दो छह दस कनेक्शन है, बुध केवल पंचम भाव में है और किसी प्लेनेट के साथ कोई सूर्य के संबंध, साथ, अष्टम के साथ है, हाँ अष्टमेश अष्टम के तो साथ बढ़िया है, ठीक जी है। सर जी सर और दस जो है जी वो नवम भाव को देख रहे हैं, जी शनि महाराज, जी सर तो दो तो मिल गए ना कनेक्शन, दो मिल गए, और यहाँ काल पुरुष का गुरु भी देख रहा है अगर मैं कहूँ तो वो ठीक है। तो जी भगवान की कृपा है, जी मुसीबत में सहारा मिलता है, जी सर अब कर्कश लगन को लगन बना के लगन देख बनाओ। लेते हैं अब देखो कि भगवान ने क्या लिख के भेजा। जी अब 1, 5, 9 हो गए, जी सर अब कनेक्शन खराब हो गए। हाँ जागृत में तो दिखता है भगवान की कृपा है, जी सूर्य मंगल और गुरु बृहस्पति। गुरु और मंगल का संबंध तो है बृहस्पति सिर्फ मंगल को देख, हाँ मंगल नीच राशि में है, तर्क नहीं है, जी जी लॉजिक नहीं है ओके भगवान की कृपा का, जी ठीक है। जी सर जी बिल्कुल और जो 5वें भाव का स्वामी है मंगल, जी इसी को पूर्व पुण्य पढ़ाया था ना पहले, वो हाँ जी सर नीच का हो गया 8वें में, जी तो जी पूर्व पुण्य के, पूर्व उसके कष्टों को झेल रहे, थोड़ा सा जी ऑकल्ट साइंस में उसमें अकल्ट में तो आ गई रुचि, जी ठीक है। ऐसे इसको बहुत आप देखो, बढ़िया बिल्कुल अलग है। और शनि महाराज लगन में है, जी शनि डिले देते हैं थोड़ा सा, जब भी आशीर्वाद देते जी हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, जी जी परंतु थोड़ा सा देख ओके सकते। ठीक है, स्ट्रगल है लाइफ में लेकिन हाँ ईश्वरीय कृपा भी है ऐसा ये नहीं है, जी, क्योंकि वो उतनी फील नहीं है होती है जो विवेकानंद के दिख रही थी, वो सर उनका लेवल और हमारा लेवल, नहीं वो ठीक बात है, वही फर्क यहाँ कुंडली में दिख रहा है, वही फर्क दिख ठीक रहा है, बात है। तो वही है कि हम उस लेवल के नहीं पहुंच पाएंगे, वो हाँ पहुंच भी नहीं पाएंगे उनका और हमारे लेवल का, क्योंकि ये नहीं ईश्वरीय वो कृपा तो जिस खैर हिसाब से जी इसलिए लिया कि वो तो भगवान की कृपा से ही इतने गरीब परिवार में पैदा हुए जी सर और दुनिया में नाम है, जी सर जी सर ठीक है। जी सर
आप तो आपने सर मेरा भी दिन बना दिया गुरु पूर्णिमा के अवसर पे। ये तो मेरा भी हाँ दिन बन गया, समझ आया कि अभी लाइफ में ईश्वर से प्राप्ति के लिए बहुत हाँ स्ट्रगल है, स्ट्रगल से मिले मिलती, स्ट्रगल से ईश्वर की परंतु प्राप्ति। ईश्वर की कृपा है। जी मैं तो कहता हूं अगर एक कॉम्बिनेशन भी मिल जाए, दो जी मिल जाए तो ईश्वर की अच्छी कृपा, जी तो यहाँ दो तो मिल गए थे, दो दो मिल गए मिल अच्छी। गए धर्म त्रिकोण के। अगर इन दोनों का आपस में, दो त्रिकोण के खुद आपस में दृष्टि रख जाए तो और बढ़िया हो जाता तो वो और लेवल हाई। अभी बिल्कुल। तो भाव को देख रहे हैं, जी सर, जी भाव और भावेश में फर्क है। बिल्कुल सर, बिल्कुल भावेश मतलब एक्शन कराता है, एक्शन। भाव प्रॉमिस है। जी ये तो बहुत ही जबरदस्त। और सर एक और चीज जो आपने अभी बोली, यानी हम कारकांश लगन को किसी भी वर्ग में लगन बना के नहीं देख नहीं सकते नहीं हैं। मैं उतना नहीं कहूंगा, ओके उतना नहीं कहूंगा। जी सर, ठीक है कुछ। कुछ चार्टों में, अब वो डी सेवन में, सरल सेवन में लिखा है मैंने, कुछ चार्टों पर लगा के दिखाया है, ओके सर, इवन D3 पे लगाया है, ओके जबकि वहां गलती के बहुत कम चांस है, जी, इसलिए वहां कम लगा दूंगा, ओके वहां कम लगाऊंगा। वहां देखिए जितने भी भौतिकता के चार्ट है वो आपकी इच्छा पे और समय अनुसार चलते हैं। कारकांश लगन वो पांचवा फैक्टर है भगवान कृष्ण का, कि मैंने क्या रच रखा है, तो वो बड़े चार्टों पे ही लगेगा। जो श्री कृष्ण जी ने कहा है, तू चाहता है तू वो कर, जो मैं चाहता हूँ होगा वही, होगा होगा वो वही वही। इसी के ठीक है, साथ चलो बहुत ही शुभकामनाएं सर आपको गुरु पूर्णिमा की। सबको सबको भगवान की कृपा जी सर, मिले, ईश्वरीय कृपया। प्राप्त जी हो पूरी। जी ठीक है बहुत ही जी, बढ़िया, बहुत चलो ही बढ़िया सर, आज थैंक तो यू, थैंक दिन बन गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, यू, ओके आपका आने के लिए भी और हम सब पर अपना आशीर्वाद गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, चलो भाई, नमस्कार जी सबको, नमस्कार सर। नमस्कार। जी। स्टॉप करो भाई रिकॉर्डिंग। सर हो नहीं।